हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में जिंदा देने के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। पिछले कुछ लंबे समय से वीडियो नहीं बना पाए, व्यस्तताओं के कारण पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि वीक में हम दो GS की वीडियो बना पाए। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के बारे में। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की कहानी को समझने के लिए हमें भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास। पंचायती राज व्यवस्था की विकास के लिए हमें कुछ डेट्स को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। डेट है 1952, 1955, 1977, 1983, 1985 और 1992। ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण तारीख है। तो एक एक करके जरा एक्सप्लेन करते हैं कि इन डेट्स में ऐसा क्या हुआ कि जो भारत में सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था का आधार बनता है। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम का नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ग्रासरूट लेवल पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया। एक पायलट प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 को बलवंत राय मेहता कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। इस कमेटी को काम दिया गया कि जो 1952 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को मॉनिटर किया जाए, और बलवंत राय मेहता कमेटी ये भी रेकमेंड करे कि भारत में पंचायती राज जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे ग्रासरूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी है उसको इंश्योर किया जाए। तो यही बेस बनता है भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट का। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था को रिकमेंड किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी रिकमेंडेशन को माना, और इसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई और भारत का पहला स्टेट बना राजस्थान। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा स्टेट भारत का बना आंध्र प्रदेश, और 1960 के डेकेड होते होते भारत के लगभग सभी स्टेट्स में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। आगे बात करते हैं 1977 में। 60 के डेकेड में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो हुई, लेकिन पंचायतों के पास कोई संवैधानिक शक्तियां नहीं थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया गया था, जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था में हमें तमाम तरह की बुराइयां, तमाम तरह की त्रुटियां हमें देखने को मिली। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने एक और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो 1978 में आई, और क्योंकि जनता पार्टी की सरकार कोलैप्स हो गई थी 1980 से पहले ही, इसलिए इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बहुत हिस्टोरिक एक कमेटी थी, जिसकी बहुत तरह की रिकमेंडेशन को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट किया। अगली महत्वपूर्ण डेट है 1983 की। 1983 में मेरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि जब तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नहीं किया जाएगा, जब तक उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं होंगे, तब तक हम सही मायने में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने एल एम सिंघवी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। एल एम सिंघवी कमेटी बहुत हिस्टोरिक कमेटी है। इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो रिकमेंडेशन स्ट्रिक्टली ये थी कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिया जाएगा, संविधान में उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, संविधान में हम प्रोविजन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको हम सुदृढ़ नहीं बना सकते। ऑन द बेसिस ऑफ एल एम सिंघवी कमेटी वो रिकमेंडेशन उनकी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पंचायती राज को दिया जाए। तो यही इसी कमेटी की सिफारिश आधार बना पंचायती राज व्यवस्था के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का। हालांकि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने प्रयास किया, 64 तो 65 अमेंडमेंट एक्ट को लेके आए पंचायती राज और लोकल अर्बन बॉडी गवर्नेंस को लेकर, लेकिन एक हाउस में तो वो पास हुआ बिल, लेकिन दूसरे हाउस में बिल पास ना होने के कारण ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की मुहिम थी ये कामयाब नहीं हो पाई। फिर 1991 में सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, और उसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट बिल कांग्रेस पार्टी लेके आती है, और 73rd और 74th
अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये आधार बनता है पंचायती राज और अर्बन बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करने का। तो यही कहानी है पंचायती राज व्यवस्था के भारत में डेवलपमेंट की। यहाँ हमारा सरकार हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के विकास को लेकर है, तो अब सीधे सीधे बात करेंगे, इसी फ्रेमवर्क को ध्यान रखकर बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई और हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसे काम कर रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नरी प्रोविंस रहा। और हम जानते हैं कि चीफ कमिश्नरी प्रोविंस में जो प्रावधान था कि स्टेट की जिम्मेदारी चीफ कमिश्नर के हाथों में थी और चीफ कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल कंपोज की गई थी। तो 1951 में 1 नवंबर 1951 में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया और हमारे संविधान में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी का क्लासिफिकेशन था, तो उसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आया पार्ट सी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश 1951 से लेकर 1956 तक पार्ट सी स्टेट रहा और इसी दौर में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में 1952 में पंचायतों का गठन किया गया 1952 में, और हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतों का गठन किया गया वो पंजाब ग्राम सभा एक्ट 1952 के तहत किया गया, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पास अपना पंचायती राज एक्ट तब नहीं था, तो पंजाब ग्राम सभा एक्ट 1952 के द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का गठन किया गया। अब सवाल ये भी मन में उठ सकता है कि फिर ये पंजाब ग्राम सभा एक्ट 1952 क्यों, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ब्लूप्रिंट तय किया और एक बात तय की कि हर स्टेट को के पास ये राइट है कि अपने हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था को अपनी स्टेट में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज की शुरुआत है, पंचायतों का जो गठन की शुरुआत हुई वो 1952 पंजाब ग्राम सभा एक्ट 1952 के द्वारा हिमाचल प्रदेश में हुई और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 3-tier सिस्टम पंचायती राज की शुरुआत हुई, ग्रासरूट लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे तहसील पंचायत और अपेक्स लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो इस तरह के ढांचे के साथ हिमाचल प्रदेश में 1952 में पंचायती राज की शुरुआत हुई और हिमाचल प्रदेश में 1954 तक तकरीबन 600 पंचायतों का गठन किया गया, 600 पंचायत हिमाचल प्रदेश में गठन किया गया और ग्रासरूट लेवल में ग्राम पंचायत के साथ न्याय पंचायतों की भी संकल्पना की गई, न्याय पंचायतों की व्यवस्था की गई और 600 ग्राम पंचायत और 600 ही न्याय पंचायतों की स्थापना के साथ हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत हुई। अब पंचायती ग्राम पंचायतों के पास एग्जीक्यूटिव काम थे, एग्जीक्यूटिव पावर थी और जो न्याय पंचायतें हैं, न्याय पंचायतों के पास जुडिशियल राइट्स थे, जुडिशियल शक्तियां थी। तो तीन स्तरीय जो ढांचा था इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत हुई, ग्रासरूट में ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पर तहसील पंचायत और पैक्स लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के द्वारा ही पंचायती राज की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में होती है। और यह मैकेनिज्म हिमाचल प्रदेश में 1952 से लेकर लगभग 1956 तक रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में एक मोड 1956 में आता है, ये मोड क्या था, 1956 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी हटाकर अब यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज का जो पूरा ढांचा था, मैकेनिज्म था, वो लगभग थोड़ा इररेलीवेंट हो गया था क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक यूटी था। तो ये मैकेनिज्म 1966 तक हिमाचल प्रदेश में चलता रहा। एक और चीज यहाँ पे जोड़ना बहुत जरूरी है, 1966 में पंजाब हेड स्टेट के कुछ एरिया को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और ग्रेटर हिमाचल प्रदेश बना। तो जो नया हिमाचल मर्ज किया गया उस नया हिमाचल में एक अलग एक्ट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काम कर रहे थे, वो एक्ट भी पंजाब का ही था, पंजाब पंचायत कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1961। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में दो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा था,
ओल्ड हिमाचल प्रदेश में पंजाब ग्राम सभा एक्ट 1952 और जो नया हिमाचल था उसमें जो 1961 एक्ट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को गवर्न किया जा रहा था। तो पहली बार ये आवश्यकता महसूस हुई हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश का एक अपना पंचायती राज एक्ट होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश का पहला पंचायती राज एक्ट बना और ये पंचायती राज एक्ट बना 1968 में। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला पंचायती राज एक्ट था वो बना 1968 में और इस 1968 के पंचायती राज में हिमाचल प्रदेश में थ्री टायर सिस्टम पंचायती राज की शुरुआत हुई, यानी कि ग्रासरूट लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक कमेटी या पंचायत समिति और अपेक्स लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि जिला परिषद का गठन किया गया। और 1966 के बाद यानी कि 1967 में, क्योंकि नया हिमाचल प्रदेश मर्ज हो गया था और पंचायतों की संख्या जो कि 1952-53 में तकरीबन 600 के आसपास थी अब 1900 तक पहुंच गई, 1900 हो गई, और इतनी ही संख्या में हिमाचल प्रदेश में न्याय पंचायतें भी कार्यरत थी। तो ये प्रावधान जो था हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968 के द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968 में एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ 1978 में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस अमेंडमेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो न्याय पंचायतें थी, न्याय पंचायतों का मैकेनिज्म समाप्त कर दिया गया और जो न्याय पंचायतों की शक्तियां थी वो शक्तियां ग्राम पंचायतों को ही अलॉट कर दी गई। तो अब हिमाचल प्रदेश 1978 के बाद हिमाचल प्रदेश में ग्रासरूट लेवल पर सिर्फ ग्राम पंचायतें रही और न्याय पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। अब लेकिन वही जैसा मैंने आपको कहा कि अभी तक ग्राम पंचायत के पास कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ग्राम पंचायतों का नहीं था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का नहीं था, तो पंचायतों के पास शक्तियां नहीं थी, कभी चुनाव होते हैं तो कभी चुनाव नहीं होते, और इसके अलावा पंचायतों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे। उसके अभाव में ग्रासरूट लेवल पे ग्राम पंचायतों का यानी कि हमारा जो संकल्पना थी पंचायती राज की वो स्ट्रेंथन नहीं हो रही थी। तो अब इसी कड़ी में 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए 1992 में और यही आधार बना हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज एक्ट 1994 का। तो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज एक्ट चल रहा है वो पंचायती राज एक्ट है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994। तो अब 1994 के हम प्रोविजन के बारे में बात करेंगे जिससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। तो 1994 में सबसे पहला मैकेनिज्म तो ये था कि हिमाचल प्रदेश में थ्री टायर पंचायती राज की शुरुआत की गई, ग्रासरूट लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति और अपेक्स लेवल पे जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक समिति के कॉम्पोजिशन के लिए पॉपुलेशन को बेस बनाया गया। तो एक ग्राम पंचायत का कॉम्पोजिशन कैसे किया जाए उसके लिए पॉपुलेशन साइज है 1500, यानी कि 1500 की आबादी पे एक पंचायत का गठन किया जाता है। 1500 की आबादी से ऊपर की जो पॉपुलेशन है उस पर पंचायत का गठन किया जाता है। मिनिमम जो पॉपुलेशन साइज है वो 1500 होना चाहिए, उस 1500 के पॉपुलेशन साइज पे एक पंचायत का गठन किया जाता है। और ग्राम पंचायत में जो स्ट्रेंथ है मेंबर की वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 स्ट्रेंथ हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम 15 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम जो है 5 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग प्रधान और उपप्रधान। अब उसमें भी देखें अगर 1500 की आबादी वाली पंचायत है तो आपके 5 मेंबर होंगे, 2500 अगर पॉपुलेशन है तो 7 मेंबर होंगे, 3500 पॉपुलेशन है तो 9 मेंबर होंगे, 4500 पॉपुलेशन है तो आपके 11 मेंबर होंगे और 4500 से अगर ऊपर पॉपुलेशन है तो 13 मेंबर होंगे। तो कुल मिलाकर 13 मेंबर और 2 प्रधान और उपप्रधान, यानी कि प्रधान और उपप्रधान को मिलाकर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है पंचायत में वो 15 और मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो 5 हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो ग्राम पंचायत के लिए जो चुनाव की व्यवस्था है वो सारे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट चुनाव को लेकर प्रावधान कर सकती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज
के जो निकाय के जो चुनाव है उसके लिए हमने डायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था की हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है उसमें मेंबर, प्रधान, उपप्रधान के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट किए जाते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है उस पंचायत का व्यक्ति हो, डोमिसाइल होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए कोई तय नहीं की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, हालांकि ये भारत के कुछ कुछ हिस्सों में ये मांग उठ रही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है, और कुछ कुछ स्टेट्स ने मैंडेटरी भी किया, जैसे हरियाणा। तो हरियाणा में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के जिन्होंने 10th पास किया। तो हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो कार्यकाल है 5 साल का रहता है, 5 साल के बाद चुनाव कराना अनिवार्य है, और चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जाती है। और हिमाचल प्रदेश में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये तय करते हैं कि हर 5 साल के पश्चात ग्राम पंचायत का चुनाव सुनिश्चित किया जाए। अब बात करते हैं शक्तियों की, तो फाइनेंशियल पावर की यदि हम बात करें, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पंचायतों के लिए हैं वो शक्ति स्टेट फिनांस कमीशन, यानी कि हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया है फिनांस कमीशन की तरह ही स्टेट फिनांस कमीशन है, जिसका गठन हर 5 साल के बाद स्टेट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और स्टेट फिनांस कमीशन गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि पंचायतों को कितना फंड डिब्यूट किया जाए, यानी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, वो स्टेट फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी कि पंचायत समिति की। पंचायत समिति के लिए मैकेनिज्म ये है कि 3000 की पॉपुलेशन साइज पे एक सीट होगी। 3000 की जो पॉपुलेशन का साइज है उसमें एक रिप्रेजेंटेशन होगा, और इसमें भी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 15 होगी और मैक्सिमम 45, यानी कि एक ब्लॉक समिति में 15 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 45 मेंबर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। ब्लॉक समिति का जो कंपोजिशन है वो किया जाता है ब्लॉक लेवल पे, और इसके लिए भी हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में डायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था की गई है। तो हम बात करते हैं अपेक्स लेवल पे, अपेक्स लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि जिला परिषद। जिला परिषद के लिए पॉपुलेशन साइज रखा गया 20,000 की पॉपुलेशन, 20,000 की पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ये अपेक्स बॉडी है जिला परिषद, और इसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर एरिया को का इंश्योर किया गया है। तो ये तो है 1994 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट के प्रोविजन। तो आइए हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो ग्राम पंचायत है, उनकी क्या शक्तियां हैं। तो सबसे पहली पावर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फॉर द स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत स्कीम चलती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, लेकिन बेनिफिशियरी का जो आइडेंटिफिकेशन है पंचायतों के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी पहला है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। अब दूसरा हम बात करें रिकमेंडेशन ऑफ प्लान्स एंड स्कीम्स, पंचायत में कौन सी स्कीम इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये रिकमेंड करने का अधिकार भी पंचायतों को दिया गया है। तीसरा, पंचायतों के पास अपॉइंटमेंट्स के राइट्स भी होते हैं। अब जैसे कि प्राइमरी स्कूल में वाटर कैरियर, पंचायत चौकीदार एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये अपॉइंटमेंट के जो राइट है ये भी ग्राम पंचायत के पास दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायतों के पास एक राइट होता है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। तो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन पंचायत करती है उसके पास ये राइट है कि वो लैंड रेवेन्यू को अपने पंचायत के डिपार्टमेंट के काम में उसको खर्च कर सकती है। ये शक्तियाँ भी पंचायत के पास दी गई हैं। और चौथी भी बात करें, पांचवी भी बात करें पंचायत की शक्तियों की, पंचायतों के क्षेत्र के भीतर यदि कोई माइन है उस माइन का एलोकेशन का ये राइट भी पंचायत के पास दिया गया है। और इसके अलावा पंचायतों को 2000 तक के जुडिशियल सूट यानी कि सिविल सूट को सुनने का राइट भी है। पंचायत अपने क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को 500 रुपये तक का फाइन भी पंचायतें कर सकती हैं। तो ये हुई बात पंचायतों की शक्तियों की। अब हम बात करते हैं कि जब ग्राम सभा की बैठक होती है, जब पंचायत की बैठक होती है, तो किन किन डिपार्टमेंट के लिए आवश्यक है कि वो ग्राम सभा की बैठक में अपनी हिस्सेदारी करें।
प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं, आईपीएस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये तमाम तरह के डिपार्टमेंट हैं जिनको कि इंश्योर किया गया कि जब पंचायत की मीटिंग होती है तो पंचायत की मीटिंग में वो प्रेजेंट रहे। यदि कोई डिपार्टमेंट का कर्मचारी अधिकारी पंचायत की मीटिंग में नहीं पार्टिसिपेट करता है तो ग्राम पंचायत के प्रधान को ही अधिकार है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अधिकारी की कंप्लेन करके उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना का आधार ही बना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इससे ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है, डेमोक्रेसी जो ग्रासरूट लेवल पर स्ट्रेंथन हुई है। दूसरा, पीपल्स गवर्नमेंट बनी है, गवर्नेंस को आप इनको ग्रासरूट लेवल तक लेके आए हैं। तीसरा, प्रॉपर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इंश्योर हुआ है। और चौथा, ब्रॉडनिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर हुआ है। और पांचवा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अब हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की लूप होल्स की, कमियों की। तो सबसे पहला जो लूप होल है वह इलिटरेसी। आज भी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं उनके पास एजुकेशन का अभाव है। तो राइट एजुकेशन के अभाव में पंचायती राज की जो कार्य प्रणाली है उस पर एक बार क्वेश्चन मार्क उठते हैं। दूसरी, अवेयरनेस का ना होना, एक अवेयरनेस भी नहीं है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो यूथ है, जो आज के ज़माने के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पार्ट होने से कतराते हैं। मतलब एक राइट अवेयरनेस नहीं है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में कितना बड़ा योगदान है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं पंचायती राज जो व्यवस्था है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाती है। तीसरा, आपका नेपोटिज्म। इसमें नेपोटिज्म हमें देखने को मिलता है चुनावों से लेकर, क्योंकि आज भी जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं हिमाचल प्रदेश में भी देखें तो कास्टिज्म बेस पे है, गांव के बेस पे है और बेसिकली फैमिली के बेस पे होता है। तो इस तरह का नेपोटिज्म हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जिससे कि डेवलपमेंटल के काम जो है वो थोड़े से प्रभावित होते हैं। चौथा हम आगे बात करेंगे, चौथा पॉइंट जो है इसमें हम डाल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस। बहुत सारी जो आपकी बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी जो है ग्राम पंचायत के इलेक्शन को पूरा इन्फ्लुएंस करती है। और नेक्स्ट हम डाल सकते हैं रोल ऑफ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। हर पंचायत में कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं कि जो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती हैं। तो इन्फ्लुएंशियल फैमिली जो है ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उसको पूरा इन्फ्लुएंस करती है, डेवलपमेंट वर्क को पूरा इन्फ्लुएंस करती है, जिससे एक समान विकास जो पंचायतों में नहीं हो सकता। तो चलिए, ये तो बात हुई हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज को लेकर। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में अर्बन बॉडी गवर्नेंस को लेकर। यदि हम अर्बन बॉडी गवर्नेंस की बात करें तो 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा भारत में अर्बन बॉडी गवर्नेंस को भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया और थ्री टायर सिस्टम की शुरुआत हुई। तो इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी जो अर्बन बॉडी गवर्नेंस है उसके भी थ्री टायर सिस्टम है। ग्रासरूट लेवल पे नगर पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे म्यूनिसिपल काउंसिल्स और अपेक्स लेवल पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हिमाचल प्रदेश में दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, 24 म्यूनिसिपल काउंसिल्स है और 26 नगर पंचायत है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है 1978 में बना। इससे पहला शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला म्यूनिसिपल कमेटी था और शिमला म्यूनिसिपल कमेटी का जो गठन है वो 1851 में हुआ और शिमला म्यूनिसिपल कमेटी को 1978 में शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है। दूसरा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है DMC यानी कि धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश में 2015 को हुई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आमतौर पर ऐसे बॉडीज होती है जो कि आपके बिग सिटीज होती हैं। अलग अलग स्टेट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गठन के लिए अलग अलग तरह के
प्रावधान है, पैरामीटर्स है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में म्यूनसिपल काउंसिल की, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल यानी कि जो स्मॉल सिटीज हैं उसके गवर्नेंस के लिए म्यूनसिपल काउंसिल का कंपोजिशन किया जाता है, उसकी संख्या 24 और नगर पंचायत हिमाचल प्रदेश में 26। यानी कि नगर पंचायत एक ऐसा एरिया होता है जो सेमी अर्बनाइज्ड एरिया है और ट्रांजिट जोन है जहाँ भी अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ नगर पंचायत आपकी 26 है, जिसमें कि सबसे छोटी जो नगर पंचायत है वो नारकंडा नगर पंचायत है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 7 कंटोनमेंट बोर्ड भी हैं। और यदि हम हिमाचल प्रदेश में अर्बनाइजेशन की बात करें तो इस अर्बनाइजेशन में हिमाचल प्रदेश में 59 सिटीज, जिसमें से कि सबसे बड़ी सिटी शिमला, उसके बाद आपका धर्मशाला और 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 24 आपकी म्यूनसिपल काउंसिल्स, 26 आपकी नगर पंचायत और 7 कंटोनमेंट बोर्ड हिमाचल प्रदेश में है। तो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 1992 के द्वारा अर्बन बॉडी को भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश अर्बन बॉडी एक्ट 1994 के द्वारा अर्बन बॉडी गवर्नेंस को लेकर जो है तमाम तरह के प्रोविजन किए गए हैं। तो एक बार हम पंचायती राज और अर्बन बॉडी जो इंस्टीट्यूशन है उसका पूरा ब्रेकअप देख लेते हैं। तो पंचायती राज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3226 ग्राम पंचायत है, 78 ब्लॉक कमेटी यानी कि पंचायत समितियाँ हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि जिला परिषद है। ये तो बात हुई पंचायती राज की, और पंचायती राज के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री है, पंचायती राज मिनिस्ट्री। और किसी तरह से अगर हम बात करें अर्बन बॉडी की तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 59 सिटीज, 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 24 आपके म्यूनसिपल काउंसिल्स, 26 आपके नगर पंचायत हिमाचल प्रदेश में। तो ये था हिमाचल प्रदेश का पंचायती राज। अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे किसी और इशू को लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.